हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज लेकर ऑडिटिंग के ऊपर। जी हाँ, हमने ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है ऑडिटिंग के ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन वो जो सीरीज है वो कंपनी ऑडिट के ऊपर डेडिकेटेड है। जी हाँ, कंपनी के ऑडिटर कौन होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, डिसक्वालिफिकेशन क्या होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, वो उस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो उस सीरीज में हमने कवर किया हुआ है। लेकिन इस सीरीज में हम लोग बेसिक ऑडिटिंग का कंसेप्ट समझेंगे, ऑडिटिंग का मीनिंग समझेंगे। कंपनी को नहीं, लेकिन कोई भी पर्सन को ऑडिटिंग करनी हो तो कैसे करवा सकता है, कौन कर सकता है, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडिटिंग की, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटिंग कराने के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, ऑडिटिंग का एकदम जनरल पैरलेंस में बात करें तो मीनिंग होता है कि एक ऑडिटर जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देता है कि क्या उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कहने का मतलब, वो अपना ओपिनियन देता है कि क्या उसने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक की, उसके हिसाब से जो बिजनेस ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में जो फिगर्स दिखाए हैं, जो पिक्चर दिखाया है बैलेंस शीट के फॉर्म में या प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, वो ट्रू पिक्चर है या नहीं है। कहने का मतलब, क्या बिजनेस की सच्चाई उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बयां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में ओपिनियन देता है कौन? ऑडिटर। तो वही लिखा है डेफिनेशन में भी, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन है ये, ऑडिटिंग रिफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसकी मदद से? सबूतों की मदद से। सबूतों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डेफिनेशन कितनी ईजी हो गई, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कौन करेगा? आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया, ऑडिटर करेगा। ऑडिटर कौन होता है? जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है अगर कंपनी की ऑडिट करना है तो। लेकिन अगर कंपनी नहीं है, आप किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हैं जनरल बिजनेस की, तो जरूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन जो पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं। विद अ व्यू टू गिव हिज ओपिनियन, अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों चेक करेगा? अपना ओपिनियन देने के लिए चेक करेगा कि क्या उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है कि नहीं बता रही। तो वो लिखा है, विद अ व्यू टू गिव हिज ओपिनियन वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और नॉट। मतलब, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की सच्चाई बयां कर रही है या नहीं कर रही। एकदम इजी, अगर आप ध्यान से डेफिनेशन को समझते हैं या पढ़ते हैं तो याद हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कौन करेगा? बाय एन ऑडिटर। क्यों करेगा? विद अ व्यू टू गिव हिज ओपिनियन वेदर अकॉर्डिंग टू हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और नॉट। क्या उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच्चाई बयां कर रही है कि नहीं कर रही बिजनेस की। इजी, ये हो गई डेफिनेशन किसकी? ऑडिटिंग की। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन का एक पार्ट आ जाता है, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जामिन करता है कौन? ऑडिटर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही हो गई, क्या इट इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। दूसरा, ये एग्जामिनेशन कैसे करता है? हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो लिखा हुआ है, दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जैसे वाउचर्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, एक्सप्लेनेशंस हो गई, ये सब क्या है? सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इजी, बिल्स हो गए, काउंटर फॉल्स ऑफ चेक बुक्स हो गए, ये सब क्या है? सबूत होते हैं जिसकी मदद से एग्जामिनेशन की जाती है। थर्ड, सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज वाउचर्स एंड एविडेंसेस विच आर यूज फॉर राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही बताया है कि कैसे की जाती है, किसकी मदद से की जाती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की मदद से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? वाउचर्स हो गए, बिल्स हो गए, काउंटर फॉल्स ऑफ चेक बुक्स हो गए, वो एग्जाम्पल्स लिख दिए थर्ड पॉइंट में। चौथा, कैसे की जाती है? सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से। तो वो लिखा हुआ है, सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड सिस्टमैटिकली एंड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है। फिफ्थ, द ऑडिट वर्क इज कैरिड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। जनरली जो ऑडिटर होता है वो कभी भी जो बिजनेस है उसका एम्प्लॉय नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है या एजेंसी होती है। क्यों? एक इंडिपेंडेंट पर्सन या एजेंसी जो होगा वही अपना नॉन पार्शियल रिव्यू दे पाएगा या नॉन पार्शियल वर्डिक्ट दे पाएगा या ओपिनियन दे पाएगा। अगर मैं कंपनी या पर्सन हूँ या
अगर मैं बिजनेस का एम्प्लॉय हूँ तो मैं अपने बिजनेस के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, और मेरे पास वो आइज भी नहीं होगी कि मैं देख पाऊँ कि कहाँ पे गड़बड़ है, हमको अच्छा ही दिखेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट पर्सन जो आउटसाइडर है वो हमेशा इम्पार्शल वर्डिक्ट दे पाएगा, इम्पार्शल ओपिनियन दे पाएगा। इसलिए ऑडिटर जो होता है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट पर्सन या एजेंसी होता है। ऑडिटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ऑडिटिंग क्या है? कला है, आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि काम करने का तरीका हर एक ऑडिटर का अलग हो सकता है। और साइंस क्यों है? हर एक ऑडिटर को कुछ प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, इसलिए बोला गया इट्स बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑडिट इज फाइंड एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिटर का मेन काम ही ये होता है कि वो जो भी एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं या जो भी कमियां हैं अकाउंट्स में वो ढूंढे, ताकि उसको रिपीट ना हो, ताकि अगली बार रिपीट ना हो। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स को ढूंढना, डिटेक्ट करना और अगली बार के लिए प्रिवेंट करना। तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। आगे, टू स्टेट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, उसको अपना ओपिनियन देना होता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा, क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने बनाई है या नहीं बनाई, या बिजनेस ने बनाया है कि नहीं बनाया। तो उसको अपना ओपिनियन देना होता है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं बता रहे। The principal aim of auditing is to ascertain whether balance sheet gives a true and fair view. वहाँ पे से रिपीट ही हुआ है कि उसका मेन एम या सबसे बेसिक एम जो ऑडिटिंग का होता है वो ऑडिटर का ओपिनियन देना होता है कि क्या उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए हैं या नहीं किए। और लास्ट, द फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग इज टू सी दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। देखिए, ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो रूल्स बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है कि एक ऑडिटर को कैसे काम करना है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि जनरली एक ऑडिटर जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, और कंपनी के केस में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है, जो प्रैक्टिस करता है वही कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ICAI एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो गाइडलाइंस इशू करती है अपने फेलो ऑडिटर्स के लिए कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ऑडिटिंग करनी है। और हर एक ऑडिटर का ये काम होता है कि चेक करे कि हर एक बिजनेस जो है वो गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होती है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडिटर का ये काम भी होता है देखना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई गई कि नहीं बनाई गई। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। सिंपल, तो 10 इजी से पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ लेंगे। पहला, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, किसकी मदद से? वाउचर्स और एविडेंसेस की मदद से। तीसरा, आप एविडेंस के एग्जांपल दे सकते हो, जैसे राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, वाउचर्स हो गए, काउंटर फॉल्स ऑफ चेकबुक्स हो गए, बिल्स हो गए। चौथा, कैसे की जाती है? साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है ऑडिटिंग। पांचवा, कौन करता है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, कभी भी एम्प्लॉय ऑडिटिंग नहीं करता है। छठा, दोनों आर्ट भी है और साइंस भी है, दैट इज ऑडिटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। सातवा, एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ये बेसिक फंक्शन होता है ऑडिटिंग का। आठवां, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई है या नहीं बनाई, वो चेक करना भी काम है किसका? ऑडिटर का। आगे, बिजनेस जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा, किसका असलियत, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है या नहीं बता रही, वो चेक करना। और लास्ट, जो गाइडलाइंस दी है ICAI ने, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, वो गाइडलाइंस बिजनेस ने फॉलो की है या नहीं की, वो चेक करना भी ऑडिटर का काम होता है। सिंपल, ये था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसके आगे का पार्ट, ये एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस इफेक्टिव हैं और आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।